दोस्तों अमिताभ बच्चन जी को उनके फैन प्यार से बिग बी, अमित जी, शहनशाह और सदी के महानायक कहकर बुलाते हैं, जबकि धर्मेंद्र जी को उनके फैन प्यार से ही मैन और धर्म जी कहकर बुलाते हैं। अमिताभ बच्चन जी का पूरा नाम है अमिताभ हरिवंश राय बच्चन, जबकि धर्मेंद्र जी का पूरा नाम है धर्मेंद्र सिंह देओल। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को हुआ था, जबकि धर्मेंद्र जी का जन्म 8 दिसंबर 1935 को हुआ था। अमिताभ बच्चन जी के पिता हरिवंश राय बच्चन एक प्रसिद्ध कवि थे, जबकि धर्मेंद्र जी के पिता केवल कृष्ण देओल एक स्कूल हेडमास्टर थे। साल 1973 में अमिताभ जी ने जया बच्चन से शादी की थी, जबकि धर्मेंद्र जी ने साल 1954 में प्रकाश कौर से शादी की थी। इसके बाद साल 1980 में इन्होंने हेमा मालिनी जी से शादी की थी। अमिताभ जी की 10 फिल्में ब्लॉकबस्टर रह चुकी हैं, जबकि धर्मेंद्र जी की 4 फिल्में ब्लॉकबस्टर रही हैं। अमिताभ जी की एक मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही है, जिसका नाम है शोले, जबकि धर्मेंद्र जी की भी एक मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही है, इस मूवी का नाम है शोले। अमिताभ जी की पहली मूवी साल 1969 में आई थी, जबकि धर्मेंद्र जी की पहली मूवी साल 1960 में आई थी। अमिताभ जी की पहली मूवी का नाम था साथ हिंदुस्तानी, जबकि धर्मेंद्र जी की पहली मूवी का नाम था दिल भी तेरा हम भी तेरे। अमिताभ जी की पहली मूवी फ्लॉप रही थी, जबकि धर्मेंद्र जी की पहली मूवी एवरेज रही थी। अमिताभ जी ने 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है, जबकि धर्मेंद्र जी ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। अमिताभ जी की नेटवर्थ है $400 मिलियन, जबकि धर्मेंद्र जी की नेटवर्थ है $70 मिलियन। और दोस्तों, ऐसे कौन से पॉइंट्स है जो आपको लगता है कि मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया, वो सभी पॉइंट्स आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।